हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा अरोरा। आप सब लोग कैसे हैं? आई एम गोइंग टू टीच केमिस्ट्री। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉर्मल बात कर लेते हैं। कितने लोग आप में से लाइब्रेरी गए हैं? एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग कि उसकी जगह कितने लोगों ने देखी है, एक्चुअली मैं अंदर जाके कितने लोगों ने देखा है। होप सो ऑल लोग गए होंगे स्कूल में अपने। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, जब हमें कोई भी सब्जेक्ट की बुक चाहिए होती है तो हम पर्टिकुलर एक स्टॉल पे चले जाते हैं कि हाँ ये फिज़िक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये एसएसटी का है, ये हिस्ट्री की है, ये इंग्लिश की है। तो वहाँ पे सबके एक पर्टिकुलर पोर्शन बने हुए हैं और वहाँ पे इजीली जाके हमें बुक मिल जाती है। ऐसे ही हमारे एलिमेंट्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एंड वी हैव सो मैनी एलिमेंट्स इन नेचर। अराउंड 118 एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन एलिमेंट्स हैं अब तक केमिस्ट्री में। तो दैट्स वाई वी नीड टू क्लासीफाई दैम, क्योंकि हम उनको ईच एंड एवरी एलिमेंट को याद नहीं रख सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम ईच इंडिविजुअली याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमने उनको क्लासीफाई किया पीरियोडिकली कि हाँ देखो ये अब एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इजली हम इनको याद रख पाए। टॉपिक है पीरियोडिक क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब बात आती है, चलो भाई हमने क्लासीफाई तो किया है एलिमेंट्स को, ठीक है बहुत सारे एलिमेंट्स नोन थे इसलिए हमने क्लासीफाई कर दिया। एलिमेंट्स है क्या, ये भी तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि एलिमेंट्स है ही क्या। एलिमेंट्स बच्चों होते हैं दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। आई एम सेइंग विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, आई एम नॉट सेइंग वन एटम, आई एम सेइंग वन काइंड ऑफ एटम। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं सोडियम का। सोडियम एक एलिमेंट है जो कि बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो सारे एटम्स जो हैं वो सोडियम के ही हैं। ईच जो इसके एटम है उसके पास 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये एलिमेंट्स की डेफिनेशन हो गई। अब पीरियोडिकली क्लासीफाई क्यों करा, ये ऑलरेडी मैंने बताया तुमको इसको, और हम गहराई में समझते हैं कि क्यों क्लासीफाई किया हमने इसको। देखो बच्चों क्या था, 1800 ईयर के आसपास केवल और केवल 31 एलिमेंट नोन थे, ओनली 31 एलिमेंट्स। अब 31 एलिमेंट्स नोन थे तो उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना थोड़ा इजी था। लेट्स से कोई एक एलिमेंट है, चलो भाई उसकी प्रॉपर्टी ये है, हमें याद हो गया। दूसरा एलिमेंट ये है, चलो भाई हमें याद हो गया। अब बात आई जब 1865 आया, 1865 ईयर आया, तब तक हमारे 63 एलिमेंट्स नोन हो चुके थे। 31 से डायरेक्ट डबल हो चुका है 63 में, तो 31 एलिमेंट्स तो कम थे, चलो उनकी प्रॉपर्टीज हम याद रख लेंगे इंडिविजुअल, लेकिन 63 एलिमेंट्स को याद रखना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था। और इवन आज की डेट में तो टिल डेट जो है 118 एलिमेंट नोन है। सोचो हमारी केमिस्ट्री वैसे इतनी वाइड है, अब हमें कहने लग जाए कोई कि भाई ईच एलिमेंट की तुम प्रॉपर्टीज़ भी याद करो अलग अलग से, तो सोचो हमारे लिए तो यही डिफ़िकल्ट है जो है एक्चुअली में। अब ये भी करना पड़ता तो और हमारे तो ओखा हो जाती चीज़ है हमारे लिए। तो बच्चों क्या हुआ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स देख के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमारे लेवोशियर सर आए। लेवोशियर साइंटिस्ट थे, इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया दो में। इन्होंने बोला एलिमेंट्स केवल दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेटल्स और दूसरा होता है नॉन मेटल्स। उन्होंने बोल दिया कि चलो भाई मेटल्स कौन से होते हैं, जो कि हार्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। पहली प्रॉपर्टी इन्होंने ये बोली। दूसरा इन्होंने बोला कि जो मेटल्स होते हैं दो आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स को बोला दो आर पुअर कंडक्टर, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की, आप लोग सब लोग मंदिर गए होंगे, मंदिर में घंटा रहता है, जब उसको हम बजाते तो एक आवाज आती है टन, वो जो आवाज है दैट इज योर सोनोरिटी। मेटल्स की सोनरस नेचर होता है जिसमें ऐसी आवाज़ आती है, जब भी हम किसी मेटल को पीटते हैं तो उसमें एक आवाज़ आती है, दैट इज अ सोनरस नेचर।
जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके साथ साथ दीज आर ऑल्सो मेलेबल एंड डक्टाइल इन नेचर, इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स में बना सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेवोशियर सर ने ये सारी प्रॉपर्टीज बताई, उन्होंने कहा कि मेटल्स ये होते हैं, नॉन मेटल्स ये होते हैं, चलो भाई उसके अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर दिया। प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई जब जो प्रॉपर्टीज लेवोशियर ने बताई हुई थी वो प्रॉपर्टीज से अलग एलिमेंट्स भी आए, उनको बोला गया मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बच्चों क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है एज वेल एज नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है। अब उन्होंने तो बोला था कि मेटल्स ये होता है, नॉन मेटल्स ये होता है, लेकिन जब मेटलॉइड्स आए तो वो तो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। हम कैसे पहचाने कि कौन सा एलिमेंट क्या यहाँ पे रखा जाए, मेटल्स में रखा जाए, नॉन मेटल्स में रखा जाए या फिर मेटलॉइड में रखा जाए? ये तो बात हुई, मेटलॉइड का तो बात हुआ ही, उसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी थे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल आता है मरकरी का, HG। मरकरी जो है एक मेटल है और वो हार्ड नहीं होता है, दैट इज लिक्विड इन नेचर। कैसा होता है? लिक्विड इन नेचर होता है। उसके बाद नॉन मेटल्स में बोला था उन्होंने कि नॉन मेटल्स में वो सॉफ्ट होते हैं, जबकि हमारा एक एग्जाम्पल है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है ये हार्डेस्ट, नेचुरली अकरिंग में हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा काफ़ी कि मम्मी पापा पहनते होंगे डायमंड। उसके बाद उन्होंने बोला था कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक और एक्सेप्शन आया यहाँ पर हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल है बट स्टिल इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब जब एक्सेप्शंस आए, मेटलॉइड्स आए पिक्चर में, तो वहां पर लेवोशियर का जो क्लासिफिकेशन था वो फेल कर गया। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉबर्नियर सर आए, जो फर्स्ट रिकॉग्नाइज क्लासिफिकेशन था किसका? डॉबर्नियर का। ग्रेट साइंटिस्ट डॉबर्नियर, लेवोशियर सर का जो क्लासिफिकेशन है वो यूजुअली सब लोग पढ़ाते नहीं है क्योंकि वो इतना रिकॉग्नाइज हुआ नहीं था। डॉबर्नियर का जो है दैट वाज अ रिकॉग्नाइज क्लासिफिकेशन, फर्स्ट रिकॉग्नाइज क्लासिफिकेशन जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को लगाया, तरीके से उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। डॉबर्नियर ने क्या दिया? डॉबर्नियर का जो हमारा लॉ है उसको बोलते हैं डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स या फिर डॉबर्नियर ट्रायड्स लॉ भी बोल सकते हैं। अब इन्होंने अपने लॉ में किया क्या था, एक्चुअली में था क्या एक्चुअली इनका लॉ? कुछ तो हमें नाम से ही सूझ रहा है, ट्रायड मतलब तीन होगा कहीं ना कहीं। डॉबर्नियर सर ने क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी का क्या मतलब है मेरा? मतलब ये है कि इन्होंने एलिमेंट्स का ऑक्साइड बनाया, इन्होंने उनका हाइड्राइड्स बनाया। जैसे कि मेरा ये मेटल है, इन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ये बन गया MO2 टाइप, ठीक है, और इसका इन्होंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो ये बन गया MH4 टाइप। अब जो जो एलिमेंट्स थे वो, अगर तीन एलिमेंट हैं और वो तीनों जो हैं वो यही ऑक्साइड और हाइड्राइड फॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको एक जगह पे रखना प्रेफर किया। पहला पॉइंट क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे लगा रहा हूँ। किस बेस पे लगा रहा हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी का क्या मतलब है? मतलब उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की रिएक्शन करवाई, उनके जो ऑक्साइड बन रहे थे और हाइड्राइड बन रहे थे उसके बेस पे उन्होंने एलिमेंट्स को रखा, ठीक है। अब बच्चों क्या है, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए डॉबर्नियर ट्रायड होने के लिए, दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए और दोनों फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि केवल एक फुलफिल हो जाए तो वो डॉबर्नियर ट्रायड हो जाएगा, नो,
उसके लिए दोनों कंडीशंस ही फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है कि जो ट्रायड्स में एलिमेंट्स लगे हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, शुड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये बच्चों जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऐवें ही बता रही हूँ, नहीं तो हम फालतू थ्योरी भी पढ़ सकते थे, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा क्या था, उन्होंने जब ट्रायड्स बनाए तो उन्होंने बोला जो मैं तीन एलिमेंट को लगा रहा हूँ उसमें जो मिडल एलिमेंट है उसका जो मास है वो आइदर एग्जैक्ट होना चाहिए या फिर अप्रॉक्स होना चाहिए जो मेरे साइड के एलिमेंट्स हैं उसके एवरेज के, ठीक है। और इस अच्छे से हम समझेंगे जब मैं एग्जाम्पल अभी लिखवाऊंगी। अभी तक यहाँ तक के जो पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे, डॉबर्नियर सर ने बोला कि मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इन ऑन द बेस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अरेंजिंग दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक मासेस, ठीक है। और दो कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए टू बी अ डॉबर्नियर ट्रायड, एक डॉबर्नियर ट्रायड होने के लिए। पहली कंडीशन उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका मास एवरेज होना चाहिए जो साइड के दो एलिमेंट है उसके। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, लेट्स से मैंने एग्जाम्पल लिया लिथियम सोडियम पोटेशियम। अभी कुछ बच्चों को इनके एटॉमिक मासेस याद होंगे, कुछ को नहीं होंगे, बट हमें कुछ तक तो याद रखने ही पड़ते हैं। टेंथ क्लास में बच्चे पढ़कर आए हैं, 20 तक तो बोलते हैं टीचर्स की आप याद रखें, इसका होता है 7, इसका होता है 23, इसका होता है 39 एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने क्या बोला कि पहली कंडीशन है दे शुड हैव सेम प्रॉपर्टीज। सेम प्रॉपर्टीज अगर मैं लिथियम का ऑक्साइड बनाती हूँ तो बनता है Li2O टाइप का, अगर मैं सोडियम का बनाती हूँ तो उसका बनता है Na2O टाइप का, अगर मैं पोटेशियम का बनाती हूँ तो उसका अगेन बनता है K2O टाइप का ऑक्साइड। अगर इनका हाइड्राइड मैं बनाऊँ तो हाइड्राइड भी किस टाइप का बनेगा, हाइड्राइड बनेगा इनका MH टाइप का। दैट मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। इवन आज की डेट में जो हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी चैप्टर में आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। लेकिन जो हमारे डॉबर्नियर सर थे वो रिएक्टिविटी के बेसिस पर लगा रहे थे। अब इन तीनों के जो हमारे ऑक्साइड और हाइड्राइड बन रहे थे वो सेम बन रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई ये मेरे एक जगह पर लगने चाहिए, ठीक है, इतना मुझे समझ में आ गया। दूसरा, उन्होंने बोला था कि जो मिडल एलिमेंट है उसका जो मास होगा दैट शुड बी एवरेज ऑफ द साइड एलिमेंट्स। अब मैं निकालती हूँ, अगर मैं 7 + 39 करूँ कितना आएगा, 46 आएगा, 46 का हाफ करा तो कितना बना, 23। आई एम टेकिंग एवरेज नॉट हाफ। एवरेज का मतलब जानते हैं, अगर दो है तो दो से डिवाइड करेंगे, तीन है तो तीन से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैं हाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एवरेज। ये पॉइंट काफी बच्चे समझ नहीं पाते हैं, सोचते कि हम हाफ ले रहे हैं, नहीं, वी आर नॉट टेकिंग हाफ, वी आर टेकिंग एवरेज, ओके। तो यहाँ पे 23 आ गया, दो ही एलिमेंट है इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। अब मेरा 23 आ गया तो मेरी भैया दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, प्रॉपर्टीज भी सेम आ गई है इनकी, सिमिलर है, दूसरा इसका मिडल का जो एटॉमिक मास है वो भी उसके एवरेज आ गया, दैट मीन इट इज अ डॉबर्नियर ट्रायड। ये हमारा डॉबर्नियर ट्रायड बन गया, ठीक है। इस तरीके से डॉबर्नियर ने ट्रायड्स दी हमको। एक दो और दिखा देती हूँ मैं तुमको, जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसका 35.5 होता है, इसका 80 होता है, इसका 127 होता है। अब होप्स हो तुम लोग निकालना सीख गए होंगे कि एवरेज कैसे निकालना है। इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर थी। अब कुछ एग्जांपल ऐसे लेते हैं जो कि डॉबर्नियर ट्रायड नहीं है, बट हाँ उनके पास कुछ प्रॉपर्टी ऐसी आ रही है कि हाँ हमें लग रहा है कि सिमिलर है ये लोग, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इसका होता है 90, इसका होता है 35.5, इसका होता है 80। फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, बट द सेकेंड कंडीशन जो मिडल वन है उसका जो एटॉमिक मास है वो एवरेज आना चाहिए साइड टू एलिमेंट्स के। 19 + 80 करो कितना बैठ रहा है, 99 बैठ रहा है, इसका हाफ करो तो कितना आ रहा है, 4 + 8 19 करा, 9 + 18 49.5 आ रहा है।
जबकि हमारा जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास होता है 35.5 बच्चों, 35.5 और 49.5 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जबकि हमारी कंडीशन में क्या था कि या तो वो एग्जैक्ट होना चाहिए या उसके आसपास होना चाहिए। अगर 35.5 है तो 35 आ जाए या 40 आ जाए, लेकिन 49.5 आएगा दैट मीन्स दैट इज नॉट मैचिंग टू दैट वन एट ऑल, वो मतलब हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज तो सिमिलर थी, लेकिन क्या हुआ सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, बट दिस इज सो दिस इज नॉट ए डॉबर्नियर ट्राइड, ये डॉबर्नियर ट्राइड नहीं हुआ, ये इसका एक डीमेरिट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हुआ कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका 12, इसका 14, इसका 16। अब बच्चों इसका एवरेज निकालो, 12 प्लस 16 कितना होता है 28 होता है, 28 को डिवाइड करा 2 से आया मेरा 14। अब हमारा नाइट्रोजन का मास तो 14 है, ये तो आ गया, तो ये तो डॉबर्नियर ट्राइड होना चाहिए। काफी बच्चे सोच रहे होंगे, लेकिन बच्चों मैंने पहले भी बोला है डॉबर्नियर ट्राइड होने के लिए दोनों कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है, प्रॉपर्टी सिमिलर होने के साथ साथ उसका एवरेज, उसका जो मास है वो एवरेज होना चाहिए। ठीक है भाई, मास तो एवरेज आ गया, लेकिन बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज कहीं से कहीं तक सिमिलर नहीं है, ये सेम ग्रुप को बिलोंग ही नहीं करते हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी कि ये तीनों डिफरेंट फैमिलीज है, इनकी प्रॉपर्टीज कहीं से कहीं तक मैच नहीं करती हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ हमारा, ये डॉबर्नियर ट्राइड नहीं है। मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ कि ये डॉबर्नियर ट्राइड नहीं है, ये भी डॉबर्नियर ट्राइड नहीं है, ये भी नहीं है। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, क्योंकि बच्चों जब डॉबर्नियर ने अपना लॉ दिया, डॉबर्नियर ने बोला कि मैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आई एम अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस वेयर ही फाउंड दैट द मास ऑफ द मिडिल वन इज एवरेज ऑफ द साइड टू वन एंड विच ही कॉल्ड ट्राइड्स। यही हमारा ट्राइड लॉ था, उन्होंने ये बोला। लेकिन हमारे जो एलिमेंट्स थे ये 1813 के आसपास उनका ये लॉ आया था, जब हमारे 31 एलिमेंट्स नोन थे उस वक्त पर। अब 31 एलिमेंट्स में से भी बच्चों सारे एलिमेंट्स डॉबर्नियर ट्राइड्स की फॉर्म में नहीं रख पाए, दैट वॉज द डी मैरिट कि सारे एलिमेंट्स ट्राइड के फॉर्म में नहीं रखे गए। जैसे कि हमारे फ्लोरिन क्लोरिन और ब्रोमिन, ये तो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो इनका क्यों नहीं वो डॉबर्नियर या ट्राइड की कंडीशंस को फुलफिल करा, मतलब कि वहां पे कुछ ना कुछ कमी थी। ठीक है, दीज आर द डी मैरिट्स जिसकी वजह से डॉबर्नियर का जो लॉ था वो हमारा फेल कर गया। सेकेंड लॉ पे आते हैं अब, न्यूलैंड, जिनको अपने काम के लिए इवन मेडल भी दिया गया। अब उन्होंने कुछ ऐसा खास तो किया होगा कि उनको मेडल दिया है, अब क्या खास किया है वो हम देखते हैं। न्यूलैंड सर थे जिन्होंने अपने लॉ को बोला न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इनको गाना सुनने और बजाने का बड़ा शौक था। इन्होंने कहा कि चलो भाई मैं भी एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा ऑन द बेस ऑफ रिएक्टिविटी ओनली विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके बेस पे ही मैं रिएक्ट, उनके बेस पे ही मैं एलिमेंट्स को लगाऊंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर ही लगाऊंगा। जैसे डॉबर्नियर सर ने किया, उन्होंने ट्रायड्स बनाए, इन्होंने कहा मैं भी अरेंज करूंगा एलिमेंट्स को। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उन्होंने ये एलिमेंट्स अरेंज करे, उन्होंने कहा कि मैंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, मैंने क्या, उन्होंने क्या पाया, उन्होंने कहा जैसे कि जब मैंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर आएंगी, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में होता है बच्चों, सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब नी के बाद अगेन सा आया, ऐसे ही उन्होंने बोला जैसे म्यूजिकल नोट में नी के बाद अगेन सा आता है, ऐसे ही 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो फर्स्ट वन के ही सिमिलर होंगी, उनको ये पाया गया, जिसको उन्होंने ऑक्टेव लो का नाम दिया। उन्होंने कहा भैया ये ऑक्टेव लो है, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन के सिमिलर होंगे। चेक कर लेते हैं,
जैसे कि हाइड्रोजन से चले, ये फर्स्ट एलिमेंट है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उन्होंने ये बोला, मैं लिथियम को फर्स्ट मान लूँ, अगर इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर पे ये आ रहा है, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। सर ने ये लगा दिया, हमारी एनसीईआरटी किताब में हाइड्रोजन को नहीं रखा गया है, तो ये आपकी इच्छा, आप ऐसे लगा भी ले, रेफरेंस किताबों में हाइड्रोजन मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है। सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा जाता है, एनसीईआरटी किताब में जो है वहां पे हाइड्रोजन को नहीं रखा गया है, रेफरेंस किताब में आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। यहां तक बात हुई, इन्होंने अपना ऑक्टेव लो दे दिया, इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे होता है। अब बात क्या थी, अगर ये फाइनल लॉ होता तो हम इसके बेस पर ही चीजें लगाए होते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तभी आज की डेट में हम कुछ और पढ़ते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आई बच्चों, पहले इनकी खासियत पढ़ते हैं, प्रॉब्लम तो बात की बात है, पहले खासियत पढ़ते हैं। उन्होंने ऐसी क्या चीज दी जिसके बेस पे न्यूलैंड सर को मेडल मिल गया। बच्चों खासियत क्या थी, इन्होंने यहाँ पर बात करी पीरियोडिसिटी की। पीरियोडिसिटी होता क्या है, ये तो अजीब मैडम समझ में नहीं आ रहा, हमने तो आज तक पीरियड ही पढ़ा है, पीरियोडिसिटी क्या होता है। पीरियोडिसिटी बच्चों होता है रिपीटिशन, रिपीटिशन किसी भी चीज का एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। मैंने इसका जो इंटरवल है वो फिक्स नहीं किया है, वो एक दिन भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट रिपीटिशन होना उस चीज का कुछ टाइम के बाद, दैट इज योर पीरियोडिसिटी। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, हम लोग स्कूल जाते हैं सब लोग, तो वहां पे हमारे लेक्चर्स लगे रहते हैं। लेट्स से हमारा 8 से 9 लेक्चर होता है मैथ्स का, 9 से 10 लेक्चर होता है केमिस्ट्री का। तो जब हमारा 8 से 9 मैथ्स का, 9 से 10 केमिस्ट्री का लेक्चर होता है, चलो उस दिन की क्लासेस खत्म हो गए, लेकिन जब मंडे के बाद हम वापस से ट्यूसडे में जाते हैं तो अगेन हमारे वही लेक्चर चलते हैं कि 8 से 9 मैथ्स होगा। तो मतलब एक ही 24 घंटे के बाद वापस हमारा क्या आ रहा है, सेम लेक्चर रिपीट हो रहा है, दैट इज अ पीरियोडिसिटी। ठीक है बच्चों, पीरियोडिसिटी का मतलब समझ गए। तो ये जो पीरियोडिसिटी है ये इन्होंने बताई थी जाके न्यूलैंड ने, कि बच्चों देखो पीरियोडिसिटी चीज जैसी दिखती है एलिमेंट्स में। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो उठाया था न्यूलैंड सर ने। ठीक है चलो भैया, ये तो बहुत बढ़िया बात बता दी आपने।